वेलकम टू ऑल। आई होप दैट आप सभी अपने प्रिपरेशन के जर्नी को एंजॉय कर रहे होंगे। आपका एग्जाम का जो तैयारी है वो काफी अच्छे से चल रहा होगा। और फिलहाल में एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज चल रहा है जिसके बारे में आपने जरूर सुना। वहां पे बेसिकली बात क्या हो रहा है कि किस तरीके से डॉलर की जो हेजेमनी है, जितने भी इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन जो होते हैं जो अभी डॉलर्स में किए जाते हैं, क्या डॉलर्स को रिप्लेस करना पॉसिबल है, क्या डॉलर्स की हेजमनी को खत्म करना चाहिए, और डॉलर्स की हेजमनी को खत्म करके कौन से करेंसी में आपको इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन को कंडक्ट करना चाहिए। तो ये सारे न्यूज में अभी काफी ज्यादा से चल रहे हैं। इसका बेसिकली कॉन्टेक्स्ट क्या है, ये न्यूज भी क्यों चल रहा है, बिकॉज आपको पता है कि अभी जो रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है और उस वॉर में जब अमेरिका ने सैंक्शंस लगा दिए हैं रशिया में, तो रशिया का जो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन है वो करना उसके साथ काफी मुश्किल हो गया है। बिकॉज जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं जनरली वो डॉलर्स में किए जाते हैं, और डॉलर्स के ट्रांजैक्शन करने के लिए आपको अमेरिका के बैंक से क्लियरेंस लेना पड़ता है। अब जब अमेरिका ही नहीं रशिया पे सैंक्शन लगा दिया है, तो डॉलर में ट्रांजैक्शन करना रशिया का किसी और कंट्री के साथ काफी ज्यादा मुश्किल हो गया है। तो इसी की वजह से बहुत सारे कंट्रीज ये ट्राई कर रहे हैं कि किस तरीके से हम लोग डॉलर में ट्रांजैक्शन को रिप्लेस करके किसी अल्टरनेटिव करेंसी या फिर अपने लोकल करेंसी में उस चीज को कर सकते हैं। सो ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है नो डाउट, बट इसको मेरा काम यही है कि आपको सिंपल वे में समझाया जा सके, सो दैट आपको ये पूरा बैकग्राउंड पूरा पर्सपेक्टिव आपके सामने रखा जाए। So, आज के सेशन में हम लोग बेसिकली बात करेंगे द डी डॉलराइजेशन ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी। सो डी डॉलराइजेशन ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी को समझने के पहले आपको यह पता रहना चाहिए कि करेंसी में ट्रांजैक्शंस शुरू से नहीं होते रहता था। करेंसी का जो कॉन्सेप्ट है, आज जो 10 रुपए का नोट देख लेते हो आप, उससे कुछ ट्रांजैक्शन कर लेते हो, ये बहुत पहले से नहीं था। पहले जितने भी ट्रांजैक्शंस होते थे वो बेसिकली गोल्ड के फॉर्म में किए जाते थे। फॉर एग्जांपल मान लो आपको ये पेन खरीदना है, तो आप इस पेन को खरीदने गए और आपने उस पेन को खरीद के क्या उसको पे किया, आपने उसको गोल्ड में पे कर दिया। तो इस तरीके से गोल्ड में पहले ट्रांजैक्शंस हुआ करता था। कोई भी लेन देन जो किया जाता था उसमें पेमेंट किस फॉर्म में किया जाता था, गोल्ड के फॉर्म में। गोल्ड क्यों? बिकॉज गोल्ड इज अ वैल्यूएबल एसेट, गोल्ड इज अ लिमिटेड एसेट, गोल्ड डज नॉट करोड, गोल्ड इज नॉट मैनिएबल। तो गोल्ड की जो ड्यूरेबिलिटी है वो बहुत ज्यादा है, और गोल्ड की जो अवेलेबिलिटी है वो काफी कम है। इसलिए गोल्ड सबसे स्टेबल एसेट माना गया है, सबसे आपका सेफ एसेट माना गया है। इसलिए हमेशा से गोल्ड में आपको ट्रांजैक्शंस को कंडक्ट किया जाता था। फाइनली फिर हमारे पास 19th सेंचुरी में आपके पास गोल्ड स्टैंडर्ड एक मैकेनिज्म एस्टैब्लिश हुआ। गोल्ड स्टैंडर्ड करके एक आपका ट्रांजैक्शन आपका एक मैकेनिज्म एस्टैब्लिश हुआ। तो यहां पे देखो, गोल्ड वॉज मिंटेड इनटू कॉइंस and used for trading। तो जितना 18th century, उसके पहले 17th century आपने पढ़ा होगा अपने ancient medieval period में, जो आपको जो transactions होते थे उसको gold coins में किया जाता था। But finally by 19th century हमारे पास क्या establish हो जाता है, gold standard। Later gold became a standard until the 19th century। So 19वीं सदी तक gold standard करके एक हमारा policy establish किया जाता है। ये क्या है, अभी हम लोग इसको समझते हैं। By 1870s gold became an इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर वैल्यूइंग द करेंसी। इसको हम लोग समझते हैं एक एग्जांपल के फॉर्म में। सपोज मान लेते हैं यूनाइटेड स्टेट्स है, ठीक है। अब यूनाइटेड स्टेट्स के पास मान लीजिए आपके पास 500 केजी गोल्ड है, ठीक है, और यूनाइटेड स्टेट्स ने एक गोल्ड का दाम फिक्स कर दिया है, $1 में आपको 1 केजी सोना मिलेगा, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट्स ने क्या किया कि गोल्ड का दाम फिक्स कर दिया कि यूनाइटेड स्टेट्स में आपको गोल्ड कितने में मिलेगा, 1 केजी सोना आपको $1 में मिलेगा, ठीक है, क्लियर। मान लेते हैं $2, $1 थोड़ा सस्ता हो गया, ठीक है। सो लेट अस इमेजिन दैट 1 केजी गोल्ड प्राइस इज हाउ मच, $2, राइट। नाउ इफ सपोज अमेरिकन सिटीजन हैज $20, एक अमेरिकन सिटीजन के पास कितना है, $20 रुपए है। तो अब ये जो डॉलर है उसका क्या इंपॉर्टेंस है, उसका इंपॉर्टेंस समझे। अगर ये पर्सन अपना $20 लेके यूएस के सेंट्रल बैंक के पास गया, जो कि यूएस फेड है, अगर वो यूएस के सेंट्रल बैंक के पास गया और कहा कि सर ये $20 रख लो, तो यूएस फेड इसको क्या देगी, गोल्ड। US Fed क्या देगी इसको, गोल्ड। तो
जैसे ही ये $20 अपना जमा करेगा यूएस फेड को, यूएस जो सेंट्रल बैंक है वो इसको क्या देगी, गोल्ड। कितना गोल्ड देगी? $2 इज इक्वल टू 1 kg। तो इसने जमा कितना किया है? $20। सो हाउ मच गोल्ड दिस पर्सन विल बी गेटिंग? 10 kg। 10 kg, इसी को कहते हैं गोल्ड स्टैंडर्ड। कि ये जो डॉलर है ये क्यों वैल्यूएबल है? बिकॉज द डॉलर कैन बी रिडीम्ड फॉर द गोल्ड। डॉलर को रख के आप गोल्ड ले सकते हैं। ये आज का करेंसी नहीं है, आज अलग मैकेनिज्म चल रहा है, ये हम उस समय की बात कर रहे हैं। तो ध्यान से समझना, पहले डॉलर को वैल्यू क्यों ज्यादा? एक नोट अगर आप देखोगे, 10 रुपए का नोट मान लो, तो वो तो एक पेपर है, उसकी क्या वैल्यू होगी? बहुत सारे पेपर हैं, तो वो 10 रुपए की वैल्यू क्यों होती है? आज के जमाने में 10 रुपए की वैल्यू इसलिए होती है बिकॉज उसको आरबीआई ने इश्यू किया है और आरबीआई उसको गारंटी करता है। दैट्स अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट। पहले ये सब चीज नहीं था। पहले गोल्ड स्टैंडर्ड जब सिस्टम फॉलो करते थे बाकी कंट्रीज, तो गोल्ड स्टैंडर्ड पे बेसिकली यही था कि आपका जो डॉलर है वो किस चीज से बैक्ड है? गोल्ड से। ऐसा केवल यूएस में नहीं था, बाकी हर एक कंट्रीज में था कि आप डॉलर ला के रखो तो आपको गोल्ड मिल जाएगा। So, इसी को हम लोग कहते हैं गोल्ड स्टैंडर्ड। इसी को हम लोग कहते हैं आपका गोल्ड स्टैंडर्ड। ठीक है, दैट इज $20 दो, यूएस फेड के पास जाओ, उसके बदला आप गोल्ड ले लो। ठीक है, सो बाय 1870s गोल्ड बिकेम एन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर वैल्यूइंग द करेंसी। लेटर बाय 1979 यूएस ऑल्सो एडॉप्टेड द गोल्ड स्टैंडर्ड। और ये कब तक चला ये सिस्टम, गोल्ड स्टैंडर्ड कब तक चला? अंटिल द ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट। ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट हम लोग आगे बात करेंगे। तो ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट के पहले एवरी कंट्री अपने करेंसी का वैल्यू गोल्ड के बेसिस पे डिसाइड कर रही थी। तो यहां पे $1 क्या हो जाएगा? 0.5 kg। ठीक है, सो एवरी कंट्री जो भी गोल्ड स्टैंडर्ड को फॉलो कर रही थी, वो सारे कंट्री अपने करेंसी का वैल्यू गोल्ड के बेसिस पे रख रही थी। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट द गोल्ड स्टैंडर्ड। नाउ व्हाट इट मींस, वही चीज हमने समझा कि गोल्ड स्टैंडर्ड टाइज अ करेंसी वैल्यू डायरेक्टली विद द, जो करेंसी का वैल्यू है उसको डायरेक्टली किससे लिंक कर दिया जा रहा है? गोल्ड से। फॉर एग्जाम्पल, $2 इज इक्वल टू 1 kg ऑफ गोल्ड। ठीक है, 1 kg ऑफ गोल्ड। तो हर एक कंट्री इस तरीके से अपने गोल्ड और अपने लोकल करेंसी को इस तरीके से लिंक कर दी। फॉर एग्जाम्पल, ब्रिटिश ने क्या किया होगा? अपना जो ब्रिटेन पाउंड है उसको लिंक कर दिया होगा आपको डॉलर से, गोल्ड से। राइट, सो गोल्ड स्टैंडर्ड टाइज अ करेंसी वैल्यू डायरेक्टली विद द। Now, second point, a country fixes the price for the gold. हर एक कंट्री अपने गोल्ड का प्राइस फिक्स कर दी, 1 kg सोना कितने में? $2। And then guarantees that it would redeem its currency for its value and gold. मतलब पहले क्या हुआ, फॉर एग्जाम्पल यूएस ने क्या किया, पहले गोल्ड का दाम फिक्स कर दिया, उसके बाद अब यूएस क्या कर रही है, गारंटी कर रही है कि लेडीज एंड जेंटलमैन, इफ यू ब्रिंग डॉलर आई विल गिव यू गोल्ड। समझ रहे हो? सो डॉलर देके आपको क्या मिल रहा है? गोल्ड। अगर डॉलर मिलके, डॉलर देने के बाद आपको गोल्ड नहीं मिलता, तो डॉलर की वैल्यू ही क्या होती? वो एक पेपर रहता। तो डॉलर को वैल्यू देने के लिए क्या किया गया? वो कहा गया कि आप डॉलर लेके आए, और यूएस गवर्नमेंट गारंटी दे रही है कि जैसे ही आप यूएस डॉलर लेके आओगे, आई वुड पे यू बैक द गोल्ड। इतना गोल्ड उसके लिए ऑलरेडी ये चीज पहले से डिसाइडेड है। आप मान लो $50 है आपके पास, आप चले गए यूएस सेंट्रल बैंक के पास, आपको कितना मिलेगा? 25 kg सोना। सो दैट्स व्हाई डॉलर इज अ प्रीशियस एसेट, बिकॉज बाय पेइंग डॉलर यू कैन गेट द गोल्ड। सो वही पॉइंट लिखा है कि कंट्री फिक्सेस द प्राइस फॉर द गोल्ड एंड देन गारंटीज दैट इट वुड रिडीम इट्स करेंसी फॉर इट्स वैल्यू एंड गोल्ड। रिडीम का मतलब कि इफ यू गिव मी द करेंसी आई विल गिव यू बैक गोल्ड। ठीक है, थर्ड, एक्सचेंज रेट बिटवीन कंट्रीज आर फिक्स्ड। नाउ लेट्स कम टू अनदर एस्पेक्ट ऑफ दिस। एक्सचेंज रेट फिक्स है, इसको थोड़ा सा हम लोग ध्यान से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लेट मी टेक द एग्जाम्पल ऑफ यूएस एंड इंडिया। मान लेते हैं कि यूएस इंडिया दोनों गोल्ड स्टैंडर्ड को फॉलो कर रही है।
गोल्ड स्टैंडर्ड में फॉलो करने के लिए पहले स्टेप क्या है? पहला स्टेप ये है कि हर एक कंट्री को अपना गोल्ड का वैल्यू क्या होगा डिसाइड करना है इन टर्म्स ऑफ लोकल करेंसी। तो सपोज यूएस ने बात किया कि एक केजी सोना यूएस में कितने में मिलता है? $2 में, ठीक है। लेट्स कम टू इंडिया। सपोज कि इंडिया भी गोल्ड स्टैंडर्ड फॉलो कर रहा था, तो अगेन इंडिया को भी यही करना पड़ेगा, एक केजी गोल्ड का दाम सेट करना पड़ेगा। ये केजी जरूरी नहीं है, ये मैं एक केजी थोड़ा ज्यादा बड़ा अमाउंट ले रहा हूं, एनीथिंग इट कैन बी, एनी यूनिट इट कैन बी। जैसे यूएस में लोग आउंस में लेते हैं, सो आउंस इज अ स्मॉलर यूनिट, ठीक है। सो आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल, हाइपोथेटिकल एग्जांपल। तो अब सपोज इंडिया ने एक केजी का दाम कितना सेट किया, फॉर एग्जांपल लेट अस टेक इट 10 रुपीज, कि इंडिया ने कहा कि एक केजी सोना का दाम कितने में मिलेगा? 10 रुपए में। तो अब अगर मान लो कोई इंडियन है, उसके पास 100 रुपए है और इंडिया फॉलो कर रहा है गोल्ड स्टैंडर्ड, तो आप इस 100 रुपए को कहां लेके जाओगे? आरबीआई के पास, और बोलोगे सर 100 रुपए रख लो। अब आरबीआई क्या उसको रिटर्न बैक करेगी? गोल्ड। कितना गोल्ड? 10 केजी गोल्ड। सो रूपी ऑल्सो गॉट दैट वैल्यू, रूपी बिकेम अ प्रीशियस एसेट, बिकॉज बाई गिविंग रूपी यू आर गेटिंग गोल्ड, बाई गिविंग डॉलर यू आर गेटिंग गोल्ड। गोल्ड स्टैंडर्ड के समय यही चीज हुआ करता था। नाउ सपोज अब अगर हमको मान लो एक्सचेंज रेट निकालना है बिटवीन यूएस एंड इंडिया, सपोज नाउ व्हाट माय क्वेश्चन इज दैट आई हैव टू कैलकुलेट द एक्सचेंज रेट, आई हैव टू कैलकुलेट द एक्सचेंज रेट बिटवीन यूएस एंड इंडिया। होता है जब न्यूज पढ़ दो $1.80 हो गया, $1.100 हो गया, वो एक्सचेंज रेट होता है, एक्सचेंज रेट। सो अगर मुझे रुपी और डॉलर का एक्सचेंज रेट निकालना है, सो पहले क्या किया जाता था? गोल्ड स्टैंडर्ड जब मैकेनिज्म फॉलो करते थे ग्लोबल लेवल पे, उस समय इसको कैसे एग्जीक्यूट किया जाता था? उस समय क्या किया जाता था कि गोल्ड के दाम को कंपेयर किया जाता था। फॉर एग्जाम्पल एक केजी कितना है? $2, और यहां पे एक केजी कितना है? 10 रुपए। सो $2 इज इक्वल टू 10 रुपीज, दैट मींस $1 इज इक्वल टू 5 रुपीज, ठीक है। $2 बराबर 10 रुपए है, तो $1 बराबर कितना हो गया? 5 रुपए। सो दिस इज द एक्सचेंज रेट, दिस इज द एक्सचेंज रेट, ठीक है। अब देखो क्या होगा, लेट मी गिव एग्जांपल, ये क्लियर है? दिस इज द हाउ द गोल्ड स्टैंडर्ड वर्क्स। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डिसाइड हाउ मच योर गोल्ड इज, कितना में आप गोल्ड को रखे हो, अपना प्राइस क्या है। ये हर एक कंट्री अपना फिक्स करती है, इंडिया अपना फिक्स करेगी, यूएस अपना फिक्स करेगा। एंड गोल्ड स्टैंडर्ड का मतलब इफ यू गिव द लोकल करेंसी टू द सेंट्रल बैंक दे विल बी गिविंग यू द गोल्ड। नाउ सेकेंड थिंग व्हाट आई एम डूइंग टू डू इज आई एम ट्राइंग टू कैलकुलेट द एक्सचेंज रेट बिटवीन यूएस एंड इंडिया। सो फॉर दैट आई हैव टू इक्वेट द प्राइसेस ऑफ गोल्ड, मतलब अगर एक केजी $2 तो $2, और यहां पे एक केजी से 10 रुपए में मिल रहा है तो 5 रुपए। अब ये क्यों किया हमने? क्यों हमने $2 को 10 रुपए के बराबर करके एक्सचेंज रेट निकाला है? नाउ अंडरस्टैंड, सपोज इफ यू दिस इज अ पर्सन, ठीक है, दिस पर्सन हैज सपोज 500 रुपीज, दिस पर्सन हैज 500 रुपीज, ओके। नाउ इफ दिस पर्सन विल गो टू द आरबीआई, अगर ये पर्सन आरबीआई के पास जाता है, इफ दिस पर्सन गोज टू आरबीआई, हाउ मच गोल्ड विल ही गेट? ही विल गेट 50 केजी, बिकॉज 1 केजी 10 रुपीज, सो 500 रुपए दोगे तो आपको मिलेगा कितना? 50 केजी। बट दिस पर्सन नाउ थिंक्स दैट आई विल नॉट गो टू द यूएस, आई विल नॉट गो टू द इंडियाज आरबीआई, रादर आई विल गो टू द यूएस सेंट्रल बैंक, आई विल गो टू द यूएस सेंट्रल बैंक। So यूएस जाना चाहता है वो, तो यूएस जाने के लिए पहले वो क्या करेगा? 500 रुपए को डॉलर में कन्वर्ट करेगा, है ना। वो 500 रुपए को कितने में कन्वर्ट करेगा? 500 रुपए को डॉलर में कन्वर्ट करेगा। तो ये जब 500 रुपए लेके जाएगा तो कितना करेंसी रेट चल रहा है? $1 इक्वल टू 5 रुपीज, दैट मीन्स हाउ मच डॉलर विल ही गेट? ही विल गेट $100, ही विल गेट हाउ मच $100। तो वो जब दे देगा तो उसको कितना मिलेगा? $100।
अब अगर ये $100 को लेके जाता है यूएस के सेंट्रल बैंक के पास, एक बार उसने एक्सचेंज करवा लिया, अब वो $100 लेके गया यूएस के सेंट्रल बैंक के पास, तो उसको कितना गोल्ड मिलेगा? $1 kg कितना? $2। उसके पास है कितना? $100। तो हाउ मच विल ही गेट? 50 kg। यहां भी उसको 50 kg मिला, यहां भी उसको 50 kg मिला। दिस इज हाउ द गोल्ड स्टैंडर्ड वर्क्स, दैट इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी कंट्री यू गो, if both the countries are following the gold standard, then you can exchange that currency and you will be getting the same amount of gold whether you are going in country A or whether you are going into country B. ठीक है, आज ऐसा नहीं होता है, आज completely mechanism अलग है, हम लोग देखेंगे, ये सब सब पहले की बात है, gold standard आपका कैसे काम करता था। ठीक है, तो इस तरीके से गोल्ड स्टैंडर्ड के समय हर चीज गोल्ड से रिलेटेड था। आज कॉन्सेप्ट है फिएट मनी का, जो आपने इंडियन इकोनॉमी में पढ़ा होगा, फिएट करेंसी, दैट इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट गेम, बट हियर आई एम टॉकिंग अबाउट द गोल्ड स्टैंडर्ड। ठीक है, तो इस तरीके से आपका गोल्ड स्टैंडर्ड पहले काम करता था। सो विद दिस बैकग्राउंड लेट्स मूव, तो यही आपको यहां पे चीज, एक्सचेंज रेट बिटवीन कंट्रीज आर फिक्स्ड, दिस मेक्स द करेंसी इज फ्रीली कन्वर्टेबल एट होम और अब्रॉड इनटू अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गोल्ड पर यूनिट ऑफ करेंसी। ये सब जार्गन्स नहीं समझ में आ रहा, तो इस एग्जांपल को जाके खुद से देखना, और जब एग्जांपल को देख लोगे तो खुद से एग्जांपल को अपने वे में सॉल्व करने का ट्राई करो। देखो, मैंने हमेशा से कहा है कि इंडियन इकोनॉमी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आयोटा ऑफ रिक्वायरमेंट नहीं है आपको रटने का। इंडियन इकोनॉमी इज द मोस्ट इजिएस्ट सब्जेक्ट, बिकॉज इसमें हर चीज आप लॉजिक के थ्रू डीकंस्ट्रक्ट कर सकते हो। देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ ए प्रायोरी नॉलेज, आपको कोई नॉलेज नहीं चाहिए उसमें बैकग्राउंड। अगर आप इस तरीके से एग्जाम्पल के फॉर्म में लिंक कर सकते हो ना, एक्सचेंज रेट बढ़ेगा तो बॉन्ड पे क्या होगा, आपको एग्जाम्पल लो, एग्जाम्पल से खुद आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो इस एग्जाम्पल जो हमने डिस्कस किया था उसको एक बार खुद से करना और उसके बाद इसको पढ़ना। ठीक है, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड हाउ द गोल्ड स्टैंडर्ड यूज टू वर्क। अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट इट, गोल्ड स्टैंडर्ड कैसे काम करता, पहला हर एक कंट्री अपने गोल्ड का दाम अपने करेंसी के टर्म्स में फिक्स करती है कि एक केजी सोना या एक आउंस का गोल्ड कितना, कोई भी यूनिट ले लो, उस कितने करेंसी में मिलेगा। इसका मतलब कि अगर आप अपने करेंसी को लेके जाओगे आपको गोल्ड मिलेगा, मतलब करेंसी इज गेटिंग इट्स वैल्यू, इट्स बिकमिंग अ प्रीशियस एसेट। वाई? बिकॉज you are going and giving it and then you are going to get back gold. Second, international transaction mein baat ki humne kis tarike se exchange rate fix hota hai aur us exchange rate ka logic kya hai ki agar aapke paas 500 rupees hai ya $10 hai, aap usko kisi bhi currency mein convert kar lo, jo bhi country gold standard follow kar rahe hain, aap us country mein jaoge to aapko same amount of gold milega. So this is how the things were working. ठीक है, सो अगेन द लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आई एम अगेन ट्राइंग टू स्ट्रेस इज दैट इन द गोल्ड स्टैंडर्ड यू कैन रिडीम गोल्ड बाय गिविंग द करेंसी। आप डॉलर दो और आप गोल्ड लो, दिस इज द एसेंस ऑफ द गोल्ड स्टैंडर्ड। नाउ क्यों ये खत्म हुआ? यूएस के पास फॉर एग्जाम्पल 500 kg सोना है। ठीक है, नाउ यूएस $1 kg ऑफ गोल्ड इज इक्वल टू ₹2। ये यूएस गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया कि एक केजी सोना $2 में मिलेगा। उस हिसाब से यूएस कितना करेंसी को प्रिंट कर सकता है? उतने ही करेंसी को प्रिंट कर सकता है जितने करेंसी के कॉरेस्पॉन्डिंग वो आपको गोल्ड दे सके। तो यूएस मैक्सिमम कितना प्रिंट कर सकता है? $1,000। बिकॉज अगर इस $1,000 को आप लेके चल दोगे यूएस के सेंट्रल बैंक के पास तो आपको कितना गोल्ड मिलेगा? 1 kg कितने में मिल रहा है? $2। मतलब यूएस फेड आपको 500 kg सोना देगी। ठीक है, मतलब कितना करेंसी यूएस प्रिंट करेगा, दैट इज डिपेंडेंट अपॉन हाउ मच रिजर्व्स ऑफ गोल्ड द यूएस हैज। बट सपोज यूएस को लगता है कि आई शुड प्रिंट मोर करेंसी नाउ, फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू प्रिंट $2,000, इतना मेरा मनी सप्लाई चाहिए $2,000 का। तो क्या $2,000 आप यूएस फेड के पास लेके जाओगे तो क्या सारे डॉलर के कॉरेस्पॉन्डिंग आपको सोना मिल सकता है? नहीं मिल सकता, क्योंकि उतना डॉलर है, उतना सोना है ही नहीं।
मैक्सिमम सोना कितना है 500, और आपके पास है $2000, तो आपको चाहिए कितना, इसके हिसाब से कितना, 1000 kg सोना चाहिए आपको, और है आपके पास 500 kg, क्योंकि गोल्ड पे लिमिटेड एसेट है और करेंसी आप कितना भी छाप सकते हो। तो ये मिसमैच आने लगा, द मनी सप्लाई हैज टू बी इंक्रीज्ड बट द अमाउंट ऑफ गोल्ड विच यू हैव इज लिमिटेड, सो व्हाट टू डू। यही प्रॉब्लम फेस किया गया था आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर इन मेनी यूरोपियन कंट्रीज। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब स्टार्ट होने ही जा रहा था उस समय यूरोपियन कंट्रीज, बिकॉज आपको पता है ये पूरा सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जो जोन था वो यूरोप में था, और आपका यूरोप में जितने भी वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज हैं वो यूएस से काफी ज्यादा आर्म्स खरीद रहे थे, इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे थे। तो जितने भी वेस्टर्न यूरोप की कंट्रीज हैं वो सारे यूएस के हेल्प से, यूएस से इंपोर्ट कर रहे थे डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर, यूएस से इंपोर्ट कर रहे थे अपने इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट्स। तो भाई साहब यूएस को तो पे करना पड़ेगा, तो यूएस को पे किसमें करोगे आप, गोल्ड में। यूएस को पेमेंट किसमें स्टार्ट हो गया आपका, गोल्ड में, ठीक है। ऑल द कंट्रीज फॉर एग्जाम्पल यूरोप में मान लेते हैं फ्रांस, तो फ्रांस स्टार्टेड टू पे यूएस टू गेट द डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर, टू गेट अदर टेक्नोलॉजीज। सो फ्रांस वॉज पेइंग टू यूएस इन व्हाट, द मोस्ट स्टेबल एसेट, दैट इज गोल्ड। इसकी वजह से क्या हुआ, फ्रांस के पास तो गोल्ड बचा ही नहीं, क्योंकि सारा गोल्ड लगभग तो उसने यूएस को दे दिया है। अब अगर फ्रांस के पास गोल्ड ही नहीं बचा है, तो फ्रांस अगर गोल्ड स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहा है तो कैसे फ्रांस अपने सिटीजंस को गोल्ड देगा इन रिटर्न ऑफ यूरो, ठीक है, समझ में आ रही बात। कि मान लो पहले फ्रांस के पास 1000 kg सोना था, अब उसने लगभग मान लो 800 kg तो यूएस को दे दिया, तो बचा कितना, 200 kg, और फ्रांस के सिटीजंस के पास ढेर सारा करेंसी है। लेकिन अब आप करेंसी लेके जाओगे फ्रांस फ्रेंच सेंट्रल बैंक के पास, तो फ्रेंच सेंट्रल बैंक विल से दैट बॉस आई डू नॉट हैव गोल्ड बिकॉज मैक्सिमम गोल्ड आई हैव गिवन टू यूएस। तो यही प्रॉब्लम आने लगा सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, कि मोस्ट ऑफ द कंट्रीज अपना सारा गोल्ड रिजर्व को खत्म कर दी थी। US became the world owner in terms of the gold, बहुत ज्यादा गोल्ड आ गया था US के पास और बाकी कंट्रीज के पास गोल्ड नहीं था। And hence in this context it was decided that we have to end the gold standard which is practiced in this sense. इस सेंस में जो गोल्ड स्टैंडर्ड को प्रैक्टिस किया जा रहा है इसको हमें खत्म करना चाहिए और हमें कोई नया सिस्टम से रिप्लेस करना चाहिए इसको, ठीक है। So before US entered the Second World War, the United States served as the Allies' main supplier of weapons and other goods. All countries, most countries paid in gold. सारे कंट्री US को गोल्ड में पेमेंट कर रही थी, making US the owner of the majority of the world's gold by the end of the Second World War. So by the Second World War, US was holding about 3/4 of the world's gold reserve. 75% of the world's gold reserve US के पास था after the end of Second World War. ठीक है, this made a return to the gold standard impossible. तो जब Second World War खत्म हो गया, अब फ्रांस तो वापस जा नहीं सकता गोल्ड स्टैंडर्ड में, बिकॉज उसके पास तो गोल्ड है ही नहीं। तो अब समझ में आ गया कि भैया गोल्ड स्टैंडर्ड को हमें खत्म करना पड़ेगा, एंड वी हैव टू मूव टू सम अदर सिस्टम। Although US तो गोल्ड स्टैंडर्ड कंटिन्यू कर सकता था, बट बाकी कंट्रीज के पास गोल्ड ही नहीं तो दोगे क्या। So now in this context, the Bretton Woods Agreement will happen, which will lead to the concept of fiat money. What is fiat money? We'll try to understand now. Ab dekho, origin of the Bretton Woods Agreement. Bretton Woods Agreement ka origin kya hua? So dekh sakte hain, 44 allied countries ke delegates milte hain aapko Bretton Woods mein, New Hampshire mein hain ye. Aur iske baad kya hua? The delegation decided that the world's currency, jitne bhi world's currency which were earlier linked to gold standard ke samay when every currency was valued in terms of gold, now they would be pegged to US dollar. To pehle kya tha, 1 euro is equal to 2 kg of gold, now aisa nahi hoga, 1 euro is equal to $1 or 1 euro is equal to $0.5. So here the game is changing now. Ki pehle jo currencies ko link kiya jata tha gold ke sath,
अब गोल्ड है नहीं मैक्सिमम कंट्रीज के पास, तो वो गोल्ड तो रिटर्न कर नहीं सकती है. हेंस नाउ द कंट्री स्टार्टेड टू मूव टुवर्ड्स अ डिफरेंट मॉनेटरी पॉलिसी सिस्टम इन विच द कंट्रीज द एलाइड कंट्रीज जो भी गोल्ड स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहे थे, नाउ दे डिसाइडेड टू पेग देयर करेंसी विद यूएस डॉलर. ठीक है, सो यूएस डॉलर बिकेम द ऑफिशियल रिजर्व करेंसी ऑफ द वर्ल्ड बाई 1944. तो अब यूएस ऑफिशियल फॉरेन रिजर्व करेंसी आपका बन गया. ठीक है, नाउ विल अंडरस्टैंड कि किस तरीके से ये जो पूरा मैकेनिज्म है आपका, ये आपका काम करता है. व्हाट वाज द एग्रीमेंट, इस ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट के क्या क्या कंटेंट थे वो देखते हैं जरा हम लोग. पहला, द गोल्ड स्टैंडर्ड वॉज कंप्लीटली रिप्लेस्ड, गोल्ड स्टैंडर्ड खत्म. It was replaced by fiat money. Very important. Fiat money, a term to describe currency that is used because of the government's order or fiat that the currency must be accepted as a means of payment. आपने इंडियन इकोनॉमी में पढ़ा होगा कि इंडियन रूपी इज अ फिएट मनी. फिएट मनी का मतलब अगर आप 10 रुपए का नोट देखोगे तो गोल्ड स्टैंडर्ड के समय ये 10 रुपए का नोट वैल्यूएबल क्यों था? बिकॉज अगर आप इस 10 रुपए का जो नोट है आप चले जाओगे इंडिया के सेंट्रल बैंक के पास तो उसका इक्विवेलेंट आपको सोना मिल जाएगा. बट अब तो गोल्ड स्टैंडर्ड खत्म, मतलब अब आपको इस 10 रुपए से गोल्ड तो मिलेगा नहीं, तो क्या मिलेगा इसके, यही इसी को कहते हैं फिएट मनी. नाउ गवर्नमेंट हैज सेड कि इस 10 रुपए से आप ये, इसकी वैल्यू कहां से आ रही है? इसकी वैल्यू आ रही है बाई गवर्नमेंट्स ऑर्डर. दिस 10 रुपीज हैज टू बी यूज्ड और कैन बी यूज्ड टू सेटल एनी ट्रांजैक्शन विच इज हैपनिंग एट द नेशनल लेवल. फिएट करेंसी का वही होता है कि आप उस करेंसी को, डोमेस्टिक ट्रांजैक्शंस को सेटल करने के लिए आप उसको यूज कर सकते हो, कोई आपको रोक नहीं सकता है. तो उसको आर्टिफिशियली वैल्यूएबल बनाया गया. पहले वो आपका नेचुरली वैल्यूएबल था, मतलब उसको वैल्यूएबल किस चीज से था? 10 रुपए का नोट, गोल्ड के सेंस में. बट अब ये खत्म कर दिया गया और अब कहा गया कि ये जो 10 रुपए का नोट है इसको गवर्नमेंट बैक कर रही है और अब इस 10 रुपए के नोट को आप कहीं भी यूज कर सकते हो अपने ट्रांजैक्शंस के लिए. कोई भी मना नहीं कर सकता है आपको 10 रुपए का नोट नहीं यूज करने से. दैट्स द लॉजिक ऑफ फिएट मनी. So now this requirement of pegging currency with gold, it got ended. अब मुझे गोल्ड गोल्ड का नहीं है, मेरे पास 10 रुपए का नोट है, मुझे मान लो ये पेन देना है तो मैं 10 रुपए का दिया, पेन मुझे मिल गया और ये मना नहीं कर सकता है. अगर ऐसा होता मान लो मेरे पास 100 रुपए है लेकिन वो आगे का जो ओनर है, वो जो शॉपकीपर है, वो बोल रहा है कि आई विल नॉट एक्सेप्ट रूपी, मैं रूपी एक्सेप्ट ही नहीं करूंगा, तो उसको कुछ काम ही नहीं है. ठीक है, रूपी क्या है मुझे नहीं पता, ये तो रूपी केवल नोट है, इस नोट की क्या वैल्यू है. लेकिन फिएट मनी में वही होता है कि गवर्नमेंट हैज गिवन द बैकिंग, द सेंट्रल बैंक आप देखते हो उस नोट पे सिग्नेचर होता है दैट आई पे ऑन द बिहाफ ऑफ आरबीआई टू दिस पर्सन. तो नाउ इट इज बैक बाय आरबीआई, उसकी वैल्यू को जनरेट किया गया. हाउ? बाय द गवर्नमेंट्स फिएट, बाय द गवर्नमेंट्स ऑर्डर कि दिस इज अ प्रीशियस एसेट. दिस 10 रुपीज एक एसेट है, जो भी होगा वो किसके पास होगा? जो उस पर्सन होल्ड कर रहा है. So whoever person is holding that 10 rupees note, वो उसके लिए important. So यही concept है आपका fiat money का. ठीक है, now peg all the involved countries currency to the US dollar. अब सारे country currency किसमें peg हो गए? Dollar में. तो पहले क्या था? 10 rupees is equal to मान लो 1 kg gold. अब ये सब खत्म. अब 1 rupee is equal to $30. अब यहां समझो ये कैसे काम कर रहा है. Suppose अब इंडिया ने गोल्ड स्टैंडर्ड खत्म कर दिया, अब इंडिया ने उसको रिप्लेस कर दिया किससे? नाउ द करेंसी हैज बीन पेग्ड टू द डॉलर. सपोज 30 रुपीज इज इक्वल टू $1, $1 इज इक्वल टू 30 रुपीज. तो हर एक कंट्री ने इस तरीके से अपना फिक्स कर लिया. फॉर एग्जांपल $1 इज इक्वल टू 1 यूरो और 0.5 यूरो. इस तरीके से हर एक सेंट्रल बैंक ने अपने करेंसी के एक्सचेंज रेट्स को फिक्स कर लिया और सारी करेंसी ने किससे पेक कर लिया? डॉलर से. लेकिन यूएस के पास तो डॉलर बहुत ज्यादा था, तो यूएस में अभी भी गोल्ड स्टैंडर्ड को फॉलो किया जा रहा था. तो यूएस में अभी भी आप डॉलर लेके जाओगे तो आपको क्या मिलेगा इन रिटर्न? गोल्ड. बिकॉज यूएस को गोल्ड की कोई दिक्कत ही नहीं है भैया, 3/4 ऑफ द वर्ल्ड गोल्ड रिजर्व उसी के पास है.
US continued with the gold standard, but most of the allied countries who completely lost their gold, they switched to a different system, which we are trying to understand. तो बाकी सारे कंट्रीज में, यूएस में अभी भी गोल्ड स्टैंडर्ड फॉलो किया जा रहा था, लेकिन बाकी जितने भी एलाइड कंट्रीज हैं, दे स्टार्टेड टू यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ फिएट मनी. मतलब इट कैन नॉट बी रिप्लेस बाय गोल्ड, रादर द वैल्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर नोट इज बिकॉज द गवर्नमेंट हैज गिवन इट्स बैकिंग. ठीक है, तो अब देखो ये कैसे काम करेगा. अब सपोज $1, देखो यहां पे क्या किया गया कि एक बार पहले पढ़ लेते हैं फिर इसको समझते हैं. इट पेग ऑल द इन्वॉल्व्ड कंट्रीज करेंसी टू द यूएस डॉलर एंड पेग द यूएस डॉलर टू द प्राइस ऑफ गोल्ड एट $35 एन आउंस. ठीक है, एंड पेग द यूएस डॉलर टू द प्राइस ऑफ गोल्ड एट $35 एन आउंस. आउंस एक यूनिट है. तो अब देखो क्या किया, इसको $35 मान लो, $35 एंड केजी मान लेते हैं, अभी आउंस नहीं मानते टू मेक इट सिंपल. यूएस ने क्या कहा कि एक केजी सोना कितने में मिलेगा, $35 में. सपोज ठीक है, $35. अब देखो कैसे काम करेगा. सपोज अब एक डॉलर बराबर मान लो, लेट अस टेक 35 रुपीस है, $1 इज इक्वल टू 35 रुपीस. ठीक है, अब ये सब चीजें फिक्स हो चुकी है. यूएस में एक केजी सोना $35 का मिल रहा है और यूएस इंडिया का एक्सचेंज रेट है $1 इज इक्वल टू 35 रुपीस. So now see how this will work. अब समझे आप यहां पे. अब देखो कैसे काम कर रहा है. अब सपोज अगर आप 35 रुपीज को डॉलर में कन्वर्ट कर दो तो कितना है आपके पास, $1. अब उस $1 को आप, है ना, मानो मेरे पास 35 रुपए, मैं खुश हो रहा हूं मेरे पास 35 रुपए है, गवर्नमेंट ने इसका बैकिंग दिया है. बट इस 35 रुपए की वैल्यू क्या है, वैल्यू देखो क्या है. मैं 35 रुपए है, मैं गया आरबीआई के पास, बोला मुझे डॉलर दे दो, मुझे डॉलर कितना मिल गया, $1. बट क्या अभी भी डॉलर इज फॉलोइंग द गोल्ड स्टैंडर्ड? यस, इट इज फॉलोइंग. सो $1 इज इक्वल टू 35 रुपीज है. अब अगर मान लो मैंने क्या किया, मान लो मेरे पास 35 × 35, इट्स अ कॉम्प्लिकेट, थोड़ा इसको मान लेते 50. अभी एट $50 केजी है, इसको मैं मान लेता हूं $50. सो 1 kg इज इक्वल टू $50, मतलब $50 मुझे 1 kg सोना मिलेगा. और $1 इज इक्वल टू कितना है, मान लो 50 rupees. तो मेरे पास मान लो 50 rupees नहीं है, मेरे पास मान लो कितना है आपके पास, 2500 rupees. I'm having 2500 rupees. So $1 इक्वल टू कितना, 50 rupees. So मुझे कितना डॉलर मिलेगा, $50. If I go and convert it, I will go to the RBI and I will say that मुझे डॉलर दे दो. So I will be getting $50. Now can I go to the US and give that $50 and get 1 kg of gold? Yes. ठीक है, तो इसी तरीके से अब देखो पूरे दुनिया में, बिकॉज यूएस अभी भी गोल्ड स्टैंडर्ड फॉलो कर रहा था और बोला था दुनिया के कोई भी कोने में डॉलर हो आप लाओ, हम आपको गोल्ड देंगे. सो एवरी कंट्री स्टार्टेड टू हैव दैट इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन इन गोल्ड, बिकॉज गोल्ड वॉज दैट लिंक टू गोल्ड, यूएस डॉलर वॉज लिंक टू द गोल्ड. इंडियन रूपी वॉज नॉट लिंक टू गोल्ड, तो कोई क्यों इंडियन रूपी लेगा. आपके पास ₹1000 है, आप क्या करोगे उसका. बट अगर आपके पास $1000 है तो आप यूएस जाके उससे गोल्ड ले सकते हो. राइट, सो दिस इज हाउ द अमेरिकन डॉलर्स हेजेमनी वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय द ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट. एंड हेंस यूएस पैसा छापते गया, कंट्रीज लेते गए और कंट्रीज खुश थे बिकॉज उनको डॉलर, अगर कभी भी उनको जरूरत पड़ेगी तो वो डॉलर देके यूएस, क्योंकि यूएस ने गारंटी किया है कि आप कहीं से भी डॉलर लेके आओ आई विल पे यू गोल्ड. तो हर एक कंट्रीज अब क्या करने लगे, डॉलर्स को रिजर्व करने लगे. यहां भाई मेरे पास तो $1000 है, उनको कोई मुसीबत होगा मैं $1000 बेच के मैं गोल्ड ले लूंगा. सो दिस इज हाउ नाउ अदर कंट्रीज, यूएस के पास क्या है, गोल्ड है. बाकी कंट्रीज के लिए एसेट क्या बना, बाकी कंट्रीज के पास तो गोल्ड है नहीं, तो बाकी कंट्रीज डॉलर को स्टॉकपाइल करने लगे कि किस तरीके से फ्यूचर में डॉलर देके आई विल बी गेटिंग बैक द गोल्ड. सो दिस इज हाउ इट वॉज वर्किंग. ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पास चीजें को समझना. सो इट पेग ऑल द इन्वॉल्व कंट्रीज करेंसी टू द यूएस डॉलर एंड पेग द यूएस डॉलर टू द प्राइस ऑफ द गोल्ड एट $35 एन आउंस. United States would redeem US dollars for gold on demand.
जब भी यूएस डॉलर लेके जाओगे, यूनाइटेड स्टेट्स हैज गारंटीड दैट इट विल पे यू बैक द गोल्ड. ठीक है, तो देखो गोल्ड स्टैंडर्ड में किस तरीके से मामला चल रहा था. तो गोल्ड स्टैंडर्ड में एवरी करेंसी वॉज पेक्ड टू द गोल्ड. नाउ एवरी करेंसी वॉज पेक्ड टू द यूएस डॉलर एंड यूएस डॉलर वॉज पेक्ड टू द गोल्ड बिकॉज यूएस वॉज स्टिल फॉलोइंग द गोल्ड स्टैंडर्ड बिकॉज यूएस हैज सेड दैट इररिस्पेक्टिव ऑफ विच कंट्री यू बिलोंग फ्रॉम वेरेवर यू विल ब्रिंग द डॉलर टू मी आई विल बी गिविंग बैक द गोल्ड. इस तरीके से यूएस डॉलर की हेजमनी आपकी ग्लोबल लेवल पे एस्टैब्लिश हो जाती है. राइट, ओके. नाउ लेट्स ट्राई टू मूव अहेड. अब देखो यहां पे करेंसीज बिकम कन्वर्टेबल विच मींस दैट वन कंट्रीज करेंसी कुड बी एक्सचेंज फॉर अनदर. है ना, मान लो इंडिया में रूपी और यूरो, यूरोप में यूरो और इंडिया में रूपी, दोनों एक्सचेंज हो रहे हैं बिकॉज एवरीथिंग इज नॉट पेक्ड टू द यूएस डॉलर. ठीक है, तो करेंसीज बिकम कन्वर्टेबल. द यूएस वॉज सपोज टू मेंटेन गोल्ड प्राइस एंड इट्स इन्वेंट्री बिकॉज यूएस को हमेशा से गोल्ड का इन्वेंट्री रखना था बिकॉज पूरी दुनिया में कहीं भी डॉलर लाके आओगे और आपको देना पड़ेगा. सो सपोज दिस इंस्टेड ऑफ गोल्ड रिजर्व्स अदर कंट्रीज स्टार्टेड टू एक्यूमुलेट द रिजर्व ऑफ यूएस डॉलर. तो अब सारे कंट्रीज एक्सेप्ट यूएस स्टार्टेड टू मेंटेन द रिजर्व ऑफ यूएस डॉलर. और यही जो ट्रेंड स्टार्ट हुआ, इट हैज ऑलवेज बीन लाइक दिस. इस तरीके से अमेरिकन डॉलर की हेजमनी आपकी एस्टैब्लिश की गई. ठीक है, नाउ अब क्या हुआ, व्हाई डॉलर, डॉलर को ही क्यों चुना गया. जब ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट हो रहा था तो डॉलर को क्यों चुना गया, बिकॉज द यूएस वॉज होल्डिंग 3/4 ऑफ द वर्ल्ड्स गोल्ड सप्लाई. सेकेंड, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कंप्लीट कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी. What do you mean by capital account convertibility? आपको पता है इंडिया में दो, सॉरी किसी भी कंट्री में दो कन्वर्टेबिलिटी होती है. एक होता है आपका करेंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी और एक होता है आपका कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी. करेंट, ये आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट इंडियन इकोनॉमी में आप पढ़ोगे. तो करेंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो मुझे कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज में इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करना है, तो अगर मान लो मुझे कोई चीज को बाहर से खरीदना है, फॉर एग्जाम्पल दिस पेन, ये पेन यूएस में बना था, अब मुझे इसको यूएस से इंडिया में खरीद लाना है, इंपोर्ट करवाना है. मान लो इस पेन की दाम थी $1 और $1 इज इक्वल टू 50 रुपीज. है ना, इस पेन की दाम है $1 एंड $1 इज इक्वल टू 50 रुपीज. अगर मुझे इस पेन को खरीदना है यूएस से, तो मैं क्या करूंगा, मैं आरबीआई के पास जाऊंगा, मैं ₹50 रखूंगा, मैं $1 लूंगा, $1 पे करके इसको मंगा लूंगा. इसको कहते हैं करेंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी. दैट इज इफ यू वॉन्ट टू कन्वर्ट your local currency into any other foreign currency for the transaction in goods and services, then such kind of convertibility is known as current account convertibility. And after 1991, India has allowed complete current account convertibility. मतलब अगर आप कभी भी trade and services के transactions के लिए कितना भी convert करते हो, RBI will give you that amount. Suppose अगर आप 5 lakh pen मंगाना चाहते हो और एक पेन की दाम $10 है, तो 50 lakh हो गया, $50 lakh चाहिए आपको. I'm just giving example, any amount you go and give the money, the RBI will give you back the dollar. So current account convertibility के ऊपर restrictions नहीं है. Now comes to the capital account convertibility. Suppose I want to invest, I want to buy a plot in America. अमेरिका में मुझे एक जमीन खरीदना है. So ये तो goods and services है नहीं, यहां पर आई एम गोइंग टू ट्रांजैक्ट इन कैपिटल एसेट्स. ये कैपिटल एसेट्स की ट्रांजैक्शन हो रही है. तो अगर मान लो जमीन का दाम है $100 और $1 बराबर ₹50 है, तो मुझे ₹5,000 चाहिए, तो मैं ₹5,000 आरबीआई के पास लेके जाऊंगा, मुझे बोलूंगा मुझे दे दो $100, मुझे यूएस में जमीन खरीदना है. इस कन्वर्टेबिलिटी को कहते हैं कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी. एंड इंडिया में अभी हमारा फुली कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी नहीं है. इंडिया हैज लिमिटेड कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी. वाई, ये आप इंडियन इकोनॉमी में पढ़ते हो, बिकॉज कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी से अगर फुली अलाउ कर दो तो बहुत ज्यादा इंस्टेबिलिटी हो सकता है. बिकॉज कैपिटल एसेट्स आपके, तुम कभी बेच रहे हो, कभी खरीद रहे हो, तो उससे अचानक डॉलर का रिजर्व कम हो जाता है, बढ़ जाता है, रूपी की वैल्यू डिप्रिशिएट कर जाती है, अदर थिंग्स, बहुत प्रॉब्लम होता है. इसलिए इंडिया स्टिल नाउ, चाइना टिल नाउ हैज नॉट अलाउड कैपिटल अकाउंट में फुल कन्वर्टेबिलिटी. करेंट अकाउंट में तो है, बट यूएस उस समय से दे हैव फॉलोड दिस कंप्लीट कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी. इससे फायदा क्या होता है, इससे फायदा क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मान लो आई हैव $1,000 एंड आई वॉन्ट टू परचेज लैंड इन अमेरिका.
तो कोई रोक टोक नहीं है, बिकॉज कैपिटल अकाउंट पे आप कितना भी करो। तो इससे फायदा क्या हो? सपोज बात समझ आ रही है ना, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सारे कंट्रीज के पास क्या रिजर्व्स बना? फॉरेन रिजर्व्स क्या हुआ? डॉलर में। अब डॉलर रखोगे और अगर तुम कैपिटल अकाउंट में उसको कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हो, लैंड परचेज में, फैक्ट्रीज परचेज में, तो उसका करोगे क्या? गुड्स एंड सर्विसेज तो काफी छोटा एलिमेंट हो गया, बाकी जगह भी तो जरूरत होती है। तो अगर आपके पास डॉलर है, ठीक है, एंड यूएस अलाउज कंप्लीट कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी, सो यू कैन कंप्लीटली गेट इन एक्सचेंज, ठीक है। सो दैट्स व्हाई बिकॉज ऑफ द कंप्लीट कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी डॉलर की हेजेमनी को एस्टैब्लिश की जाती है। नेक्स्ट, पॉपुलैरिटी ऑफ यूएस एसेट्स, ओके, ओपन सोसाइटी, डेमोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ, और बहुत सारे कंट्रीज तो अभी भी अपने करेंसी में डॉलर ही यूज करते हैं, ठीक है। So this is why the dollar's hegemony was established at the first place. So Bretton Woods Agreement was a turning point. इसलिए आप देखोगे US की hegemony के लिए United Nations बनाया। तो US अपने hegemony के लिए सारे institutions खड़ा किया था। और आज यही चीज को replace करना चाहिए China, because to become a hegemon you have to replace the existing institutions. And अभी जितने भी existing institutions हैं, they were set up after the Second World War, and it was all the brainchild of the United States of America. So, इस तरीके से डॉलर की हेजेमनी आपकी एस्टैब्लिश होती है। नाउ बट अब फाइनली आता है आपके पास निक्सन शॉक। कोल्ड वॉर का समय था, अमेरिका में वियतनाम वॉर में बात काफी ज्यादा इन्वॉल्व था। अब अमेरिका ने तो कह दिया था कि दुनिया में कहीं से भी डॉलर लाओ, आई विल पे यू बैक द गोल्ड। और करेंसी बहुत ज्यादा यूएस छाप रहा था कॉन्स्टेंटली, लेकिन यूएस को लगा कि अब तुम्हारे खुद वियतनाम वॉर की वजह से क्राइसिस में है, हमें खुद बहुत ज्यादा इंटरनल इनस्टेबिलिटी है, तो कल को अगर मान लो इतना पैसा जो हमने छापा है, कल को अगर वो लोग लेके आ जाएं, तो क्या मेरे पास इतना गोल्ड है कि हम उनको पे बैक कर सके? नहीं है, बिकॉज पूरे वर्ल्ड में अब डॉलर रिजर्व होने लगा है और यूएस की इकॉनमी उस समय स्टैग्नेंट हो गई थी। तो हो सकता था बहुत लोग कहें कि अब तो भाई मुझे यूएस पे भरोसा नहीं है, ये लो डॉलर, मुझे सोना दे दो, मैं चला, मैं निकला यहां से। यही आपको प्रॉब्लम होता है यूएस डॉलर और गोल्ड के बीच में। जब यूएस की इकॉनमी स्ट्रांग होती है तो लोग गोल्ड में इन्वेस्ट नहीं करते हैं, यूएस के एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं, यूएस ट्रेजरी बिल्स में इन्वेस्ट करते हैं। अभी देख रहे हो आप कि आप न्यूज में पढ़ोगे गोल्ड की डिमांड बढ़ गई है। तो गोल्ड की डिमांड क्यों बढ़ जाती है? व्हेन द पीपल लूजेस होप इन द यूएस इकॉनमी, बिकॉज यूएस इकॉनमी सबसे स्टेबल इकॉनमी, सबसे ट्रस्टवर्दी इकॉनमी। अब लोगों को अगर यूएस इकॉनमी में शक होता है तो लोग यूएस से पैसा निकाल के दे गो ऑन टू इन्वेस्ट इन गोल्ड, तो गोल्ड की डिमांड बढ़ जाती है। तो निक्सन के समय यही हुआ था, उस समय के प्रेसिडेंट के समय, कि यूएस इकॉनमी काफी स्टोडाउन पे आ चुकी थी, बिकॉज यूएस को वियतनाम वॉर में काफी ज्यादा सफर करना पड़ा था, कोल्ड वॉर का समय था, लोग अब यूएस इकॉनमी पे भरोसा कम कर रहे थे, पीपल वर ट्राइंग टू, जितने भी उनके पास डॉलर थे वो सब पहुंच गए थे यूएस के पास कि भाई लोग अपना डॉलर, मुझे सोना दो, आपने प्रॉमिस किया था। तो नाउ द सिक्स निक्सन सेड कि नाउ दिस विल नॉट बी हैपन, international currency circulation costs too many US dollars to be held in foreign countries. If those countries has decided to redeem their dollar for gold, the US would not have enough at $35 per ounce. क्योंकि इतना promise किया था, एक ounce लाओगे तो $35 देंगे, $35 लेके आओगे तो एक ounce देंगे, but इतना gold है ही नहीं. So that's why in 1971 President Richard Nixon announced that dollars could not be longer redeemed for gold. So अब gold standard जो केवल US में था वो भी खत्म, अब गोल्ड स्टैंडर्ड का पूरा इतिहास खत्म, पूरी दुनिया से गोल्ड स्टैंडर्ड को एंड कर दिया गया, ठीक है। दिस लेड टू द फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट्स दैट एग्जिस्ट स्टिल टुडे। इसी के बाद आपका फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट का मतलब बेसिकली अब डॉलर और रुपी या कोई भी करेंसी का कैसे सेटअप होता है, हाउ द करेंसीज वैल्यू इज डिसाइडेड बाय द लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। अगर डॉलर का डिमांड बढ़ गया तो रूपी विल डिप्रिशिएट, तो फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट है, ठीक है, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट है। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट कैन बी फॉर द टू टाइप्स, इंडियन इकॉनमी में पढ़ते हैं फ्री फ्लोट एंड मैनेज फ्लोट। इंडिया प्रैक्टिसेस मैनेज फ्लोट एंड यूएस प्रैक्टिसेस फ्री फ्लोट, वो अलग बात है, वो अलग टॉपिक है। बट ये देखो, तो फिर फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्टेड विद गोल्ड स्टैंडर्ड, देन वी वेंट ऑन टू द ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट। ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट पे पूरी दुनिया कन्वर्टेड टू फिएट करेंसी except US जो gold standard को follow कर रहा था। After the Nixon shock, now the gold standard completely ended from the world, and now what we started to follow, floating exchange rate system. So floating exchange rate आप economy में पढ़ लेना अगर आपको यहाँ पे नहीं बात किया। लेकिन despite this, US ने तो कह दिया कि I will not be paying you the gold,
बट डिस्पाइट दिस बिकॉज यूएस इतनी एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है कि अभी भी जो डॉलर पे भरोसा है वो अभी भी अटूट है. बिकॉज अगर मान लो मेरे पास डॉलर है, मेरे पास मान लो दो ऑप्शन है, मेरे पास को कहा गया तुम $100 ले लो, नहीं तो तुम छोड़ो $100, तुम 100 चाइनीज करेंसी युआन ले लो, तुम क्या प्रेफर करोगे डॉलर? बिकॉज यू नो दैट दिस करेंसी इज वैल्यूएबल. बिकॉज ये करेंसी की वैल्यू कहां से आती है? ऑन द बेस ऑफ इकोनॉमी. आज श्रीलंका में देख लो इकॉनॉमी कोलैप्स कर चुके हैं, तो श्रीलंकन रुपी कौन चाहेगा? सो करेंसी की वैल्यू आज जमा, आज तो गोल्ड से पैक्ड है नहीं, तो आज कोई करेंसी की वैल्यू किस चीज पर डिपेंड करती है? डिमांड एंड सप्लाई पे. और वो किस चीज पर निर्भर करता है? उसकी इकोनॉमी का फोरकास्ट कैसा है. और आज बिकॉज यूएस की इकॉनॉमी स्टिल वाइब्रेंट, रोबूस्ट, स्ट्रॉन्गली ग्रोइंग, इसलिए अभी भी यूएस पे आपका लोगों का भरोसा काफी अच्छा है. डिस्पाइट निक्सन चौक के बाद व्हेन यूएस हैज टेल दैट आई विल नॉट बी गिविंग यू गोल्ड व्हेन यू विल ब्रिंग डॉलर टू मी, बट स्टिल पीपल कंटिन्यूज टू होल्ड गोल्ड. इसलिए देखो अभी लगभग 60% पूरे दुनिया में, अगर सारे कंट्रीज, क्योंकि हर एक कंट्री अपना एक फॉरेन रिजर्व रखता है, इंडिया का भी फॉरेक्स है, तो पूरे दुनिया का जितना भी रिजर्व्स है उसमें 60% रिजर्व्स जो सेंट्रल बैंक मेंटेन करती है वो अभी भी हमारा डॉलर में है, वो अभी भी हमारा डॉलर में है, या तो वो करेंसी है या तो यूएस ट्रेजरी में इन्वेस्टमेंट है. तो सोचो ₹100 अगर टोटल रिजर्व्स, उसमें ₹60 जो है वो यूएस डॉलर में ही, बाकी फिर हमारे पास यूरो में 20 है, जापानीज येन में 5.2 है, यूके पाउंड में 4.2 है, चाइनीज एनवी में 1.95%. सो चाइना बहुत पीछे है. ठीक है, सो दिस इज हाउ हेजमनी ऑफ यूएस डॉलर वॉज स्टिल देयर आफ्टर डिस्पाइट द निक्सन शॉक. इससे बेनिफिट क्या मिलता है यूएस को, यूएस के इन्फ्लुएंस या यूएस को कैसे फायदा मिलता है ये डॉलर के हेजमनी की वजह से, यूएस को क्या फायदा मिलता है? पहला देखो, यूएस के पास बहुत बड़ा ट्रेड डेफिसिट है, इंडिया के पास भी ट्रेड डेफिसिट है, आप पढ़ोगे करंट अकाउंट डेफिसिट बहुत बढ़ गया, 1991 बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस. क्या होता है बेसिकली, आपके पास डॉलर नहीं रहता है, तो आपके पास डॉलर नहीं रहेगा तो तेल कैसे कर दोगे सऊदी से, क्योंकि सऊदी से आप तेल खरीदोगे उसको डॉलर दोगे, एंड व्हेन यू डू नॉट हैव डॉलर दैट इज नोन एज बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस. ठीक है, बट यूएस को कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ट्रेड डेफिसिट है, तो यूएस को पेमेंट करना पड़ेगा डॉलर में और यूएस डॉलर छाप सकता है. So, इसलिए यूएस का ट्रेड डेफिसिट बहुत बड़ा है, पर कोई प्रॉब्लम नहीं है ना उसके पास, उसी के पास तो डॉलर है, उसके पास कंप्लीट कंट्रोल है, वो कितना डॉलर मार्केट पे छाप के डालना चाहता है. नेक्स्ट, एक्सेस डॉलर्स दैट द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड एक्युमुलेट्स ड्यू टू यूएस ट्रेड डेफिसिट हैज बीन इन्वेस्टेड इन यूएस एसेट्स सच एज इन डेब्ट सिक्योरिटीज इश्यूड बाय द यूएस गवर्नमेंट. अब मान लो मेरा यूएस के साथ, यूएस और चाइना का मान लो ट्रेड डेफिसिट है, यूएस और चाइना का मान लो ट्रेड डेफिसिट है, उससे क्या होगा? चाइना के पास एक्सेसिव डॉलर एक्यूमुलेट हो जाएगा. मान लो चाइना के पास $100 एक्यूमुलेट हो गया, बिकॉज चाइना हैज अ ट्रेड सरप्लस विद यूएस, सो चाइना विल एक्यूमुलेट डॉलर. अब इस डॉलर का करेगा क्या? नाउ द चाइना विल इन्वेस्ट दैट डॉलर. कहां पे इन्वेस्टमेंट करोगे आप डॉलर में? तो सबसे सेफेस्ट एसेट्स है, सबसे सेफेस्ट एसेट्स क्या माना जाता है? यूएस के ट्रेजरी बॉन्ड्स. US Treasury bonds, जो US government जो debt securities release करती है, that is considered the safest assets. इसलिए जितने भी country में लोग हैं, जितने भी central banks हैं, उन सबके पास जो dollar है, वो dollar को invest किसमें करना चाहते हैं? US Treasury bond. सबसे safest asset है. ठीक है. अब एक बात बताओ, अगर US Treasury bond को बहुत लोग demand कर रहे हैं, people are demanding more and more. इसको लोग इंडियन इकोनॉमी पढ़ते हैं, बॉन्ड यील्ड वोल्ड वो सब अभी हमें नहीं पढ़ेंगे बिकॉज वो टॉपिक नहीं है अभी. अगर आपको नहीं आता तो आप जाके वापस एक बार बॉन्ड यील्ड ये सब पढ़ना. ठीक है, तो यूएस ट्रेजरी बॉन्ड का अगर इतना ज्यादा डिमांड कर रहे हैं लोग, तो क्या यूएस गवर्नमेंट जब अपनी डेट सिक्योरिटी को रिलीज करेगी तो वो कम इंटरेस्ट पे भी कर सकती है? क्यों करेगी वो 5% पे, 6%? बोलेगी 2% पे भी तो लोग लेने को तैयार ही है ना भाई, बिकॉज बाकी कंट्रीज पे तो कोई भरोसा नहीं, कभी भी कोलैप्स कर सकती है. यूएस इकोनॉमी कोलैप्स करेगी नहीं, बहुत मुश्किल है. इसीलिए यूएस ट्रेजरी बॉन्ड जो रिलीज करती है कर्ज लेने के लिए, दे डू इट एट अ लो इंटरेस्ट रेट. तो यूएस का अगर तुम डेफिसिट देखोगे, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर में उसका कर्ज है. 1975 के बाद से लेके अभी तक यूएस हमेशा से ट्रेड डेफिसिट में रहा है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं उसको, बिकॉज उसी का करेंसी आप यूज कर रहे हो और डॉलर जितना छापना चाहता है छाप सकता है. ठीक है,
सो ये कुछ फायदास हैं, और सबसे बड़ा है कि यूएस का जो ट्रेजरी बॉन्ड है वो कर्ज ले सकता है दुनिया से एट अ वेरी लो इंटरेस्ट रेट. सो दीज आर द बेनिफिट्स बाय विच यूएस इंजॉयज दैट थिंग बिकॉज ऑफ द हेजेमनी ऑफ डॉलर. इससे कुछ चैलेंजेस भी हैं जो रिसेंटली देखे गए हैं. वेपनाइजेशन ऑफ डॉलर, आपको पता है अमेरिका सैंक्शन लगा देता है, बिकॉज अगर मान लो मेरे पास डॉलर है और मैं सऊदी से तेल खरीदना चाहता हूं, आई हैव टू पे इन डॉलर टू सऊदी. बट कोई भी डॉलर में ट्रांजैक्शन के लिए आपको अमेरिकन बैंक से क्लियरेंस लेना पड़ता है. वंस द कंट्री हैज बीन पुट अंडर सैंक्शन, मान लो कल को यूएस ने सऊदी पे सैंक्शन लगा दिया, तब आप इस डॉलर का ट्रांजैक्शन नहीं कर पाते. वो स्विफ्ट सिस्टम के अंदर जो होता है, ये सब डॉलर का ट्रांजैक्शन मुश्किल हो जाता है. सो ये एक्यूजिशन लगाया गया कि यूएस अपने इंटरेस्ट के लिए डॉलर को वेपन बना देता है. इसीलिए बहुत सारे कंट्रीज आर ट्राइंग टू मूव टूवर्ड्स डिफरेंट करेंसी. सो ये कुछ चैलेंजेस हैं. कैन चाइना रिप्लेस डॉलर? क्या चाइना हैज द पोटेंशियल टू रिप्लेस डॉलर? एब्सोल्युटली नो. चाइना इज अ क्लोज सोसाइटी, चाइना इज अ रोग स्टेट. ठीक है, चाइना इज अ इकोनॉमिक पावर, इट्स अ सेकेंड वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सेकेंड इकोनॉमी, बट चाइना डज नॉट हैव डेमोक्रेसी. China does not have the checks and balances. So in the long run, when your foundations are weak, you can never survive in the long term. Aap theek hai, chote term mein 20-30 saal mein grow kar sakte ho. But just consider America kitne saal se hegemony bana ke rakha hai. Because of the checks and balances. Because if you're not ready to be proven wrong, then you will be ending in no man's land. That's what the country of China is all about. So in 2016, Yuan was added to IMF special drawing right. What is special drawing right? Aap jaake padhna. SDR जो एक रिजर्व इंटरनेशनल करेंसी है, एक तरीके का आर्टिफिशियल करेंसी है जिसको रिजर्व एसेट की तरह यूज किया जाता है IMF में. कोई वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट प्रीलिम्स में पूछ सकता है. सो IMF स्पेशल ड्राइंग राइट्स बास्केट. सो 2016 में युआन को भी इंक्लूड किया गया था, जो एक बड़ा डेवलपमेंट था. सेकेंड, चाइना ने बहुत सारे कंट्रीज के साथ उस वे में ट्रेड एग्रीमेंट भी किया है कि ट्रांजेक्शन को चाइनीज करेंसी युआन में किया जा सके. ठीक है, लेकिन Despite of all these things, it is not possible because China has an autocratic government, opaque foreign exchange policy hai. China has a closed capital account. Chinese yuan represents just 2.7% of the foreign currency reserves. Ab dekha tha, US ka 60% hai aur iska keval 2.7% hai. So there is no competition. Okay. So that's why China, theek hai, ek to media mein itna zyada hype kar diya jata hai, ye kar dega, wo kar dega. Ya, ground stats dekho na. 60% करेंसी रिजर्व है चाइना का, और कितना है यूएस का, और चाइना का केवल 2.5% है फॉरेन करेंसी रिजर्व्स में. अभी भी लोग चाइना पे ट्रस्ट नहीं करते हैं. क्या चल रहा है चाइना में हमको पता नहीं. हमने इन्वेस्ट कर दिया, कल को पता चला इकोनॉमी कोलैप्स है, क्योंकि डेटा नहीं है उनका. क्या रियल ग्रोथ है, क्या अनएम्प्लॉयमेंट नंबर्स है, क्या इन्फ्लेशन है, क्या इनइक्वालिटी है, क्या पॉपुलेशन डिविडेंड है, वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट. ठीक है, so what is, if you want to ask my take, that see, wahi maine baat kiya tha, despite large deficit which US has, trillions of dollars in debt, bahut bada karz hai, theek hai, and the unbridled printing of US dollar chhapte rehta hai, US Fed apna hi currency chhapte raho, US treasury securities, but still despite of all these things, US ke jo debts hain, US treasury securities still remain the safest way to store your money. That's what the trust which you have in an open society. The confidence that the world has in the ability of US to pay its debt, keep the dollar as the most redeemable currency for facilitating the world commerce. So this is my take, that despite of all the media hype, despite all the things, the ground zero is that the dollar's hegemony will not be replaced in the near or the long-term future. Also, it's very difficult because still the fundamentals of US economy is very strong. Aap dekh rahe ho, humne bahut zyada padhe the, pandemic ke baad west mein recession aane wala hai. Europe mein to bahut zyada chance hai, but aap US mein dekho, recently unemployment numbers kam hua hai. US ka GDP is growing robustly. US has brought the inflation under control. So that's what the open society is all about. It has all the checks and balances mechanism. वो एक गलती को आगे नहीं बढ़ने देता, उसको रोका जाता. ठीक है, सो दैट्स इज अबाउट माय टेक ओवर हियर. अब इसी में अगर हम लोग बात करते हैं कि क्या इस पूरे जो आपका इश्यू है उसमें क्या इंटरनेशनल ट्रेड सेटलमेंट को हम लोग रूपीज में कर सकते हैं. अभी काफी ज्यादा न्यूज में पढ़ रहे हो कि रूपी में किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता, तो देखते हैं कि क्या चल रहा है अभी.
हिसाब किताब। तो कैसे ये काम करता है आपको पता है, काम कैसे करता है ये, इसमें आपको कुछ कुछ टर्म्स जानने पड़ते हैं, वॉस्ट्रो अकाउंट ये सब। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो ये इंडिया है और ये मान लो यूएस है, ठीक है। तो अगर मान लो इंडिया यूएस या मान लो इंडिया रशिया, इंडिया रशिया चाहता है कि डॉलर में ट्रांजैक्शन नहीं करते हैं हम लोग रुपी में ट्रांजैक्शन करते हैं। तो उसके लिए रशिया का मान लो कोई एक बैंक होगा, बैंक ए, लेट अस टेक इट एज बैंक ए, कोई बैंक ए होगा। नाउ दिस बैंक ए विल ओपन अप अ वॉस्ट्रो अकाउंट इन द लोकल बैंक ऑफ इंडिया। फॉर एग्जाम्पल बैंक ए इंडिया के एसबीआई में एक वॉस्ट्रो अकाउंट ओपन कर लेता है। सो वॉस्ट्रो अकाउंट का काम ही ये होता है, ठीक है, समझ आया। तो इंडिया यूएस, अगर इंडिया रशिया का चाहता है ट्रेड रूपी में करने के लिए, तो उस समय रशिया का एक कोई बैंक जो होगा वो अपना कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक यहां पे एसबीआई में, किसी भी लोकल बैंक में, एक स्पेशल वॉस्ट्रो अकाउंट ओपन कर देगा। अब क्या होगा कि इंडिया रशिया को मान लो क्या देगा, रूपी, और रशिया से मान लो इंडिया क्या खरीदेगा, ऑयल। तो ये जो रूपी है जो इंडिया रशिया को देता, ये रूपी गोज टू द एसबीआई वॉस्ट्रो अकाउंट, जो इस बैंक के बिहाफ में एसबीआई वॉस्ट्रो अकाउंट को मेंटेन कर रहा है। तो जितना भी रूपी, सपोज मान लो 10 लीटर तेल खरीदा और 1 लीटर का मान लो 2 रुपए दाम था, तो 20 रुपीज। तो ये 20 रुपीज कहां चल जाएगा, एसबीआई के वॉस्ट्रो अकाउंट में, विच इज नथिंग बट अ बैंक ए का एक जो अकाउंट है आप एसबीआई मेंटेन कर रहे हैं। अब सपोज मान लो रशिया को इंडिया से कुछ खरीदना है, मान लो रशिया को इंडिया से पेन खरीदना है, तो नाउ द रशिया विल हैव टू पे इंडिया। तो वो क्या करेगा, इसी 20 रुपए में से इंडिया को दे देगा। तो मान लो 10 रुपए का पेन खरीदा, तो 20 रुपए में से 10 रुपए वॉस्ट्रो अकाउंट में से खत्म हो जाएगा, तो हाउ मच विल बी लेफ्ट, 10 रुपीज इन द वॉस्ट्रो अकाउंट। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स, यही पर्पज होता है वॉस्ट्रो अकाउंट का। सो वॉस्ट्रो अकाउंट बेसिकली क्या है, बैंक्स इन इंडिया विल ओपन वॉस्ट्रो अकाउंट, banks in India will open Vostro account, an account that a correspondent bank holds on behalf of another bank. So, SBI Vostro account को hold कर रही किसके behalf पे, bank A जो कि Russian bank है, ठीक है। For example, HSBC Vostro account is held by SBI in India. तो HSBC American bank है, तो वो आपका India में Vostro, इस तरह example है मतलब, ठीक, of correspondent banks of the partner trading company, और इस तरीके से आके आपको चीजें वही लिखी हुई है। तो वॉस्ट्रो अकाउंट में पैसा जाएगा, और अगर रशिया कुछ चीज खरीदे तो वॉस्ट्रो अकाउंट से कट जाएगा। तो काफी जोर शोर से बात चल रही थी कि इंडिया रशिया के बीच में इस तरीके का मैकेनिज्म करना चाहिए, ठीक है। तो अभी देखते स्टेटस क्या है। तो बहुत सारे कंट्रीज की बात चल रही, देखो इंडिया अभी इस तरीके का पेमेंट ऑलरेडी अलाउ करता है केवल 2 कंट्री के साथ, नेपाल भूटान, इनके साथ तो हमारा चलता है। बाकी कंट्रीज के साथ बातचीत चल रही, इंडिया का यूएई से बातचीत चल रहा है, मलेशिया से बातचीत चल रहा है, रशिया से बातचीत चल रहा है, और साथ ही साथ जो हमारे गवर्नमेंट है उसने राज्यसभा में इन्फॉर्म किया है कि 18 कंट्रीज को ये अलाउ किया गया है कि वो वॉस्ट्रो अकाउंट को इंडिया के किसी बैंक में आपको ओपन कर सकते हैं। सो दैट इज व्हाट इट इज ऑल अबाउट। सो व्हाट हैपेंड विद रशिया, रशिया के साथ भी हमारी बातचीत चल रही थी, लेकिन आपको पता है 2 दिन पहले ही न्यूज में आया था कि ये इस मैकेनिज्म को बंद कर दिया गया है, बिकॉज इट्स नॉट वर्किंग। क्यों वर्क नहीं कर रहा, बिकॉज देखो इंडिया का ट्रेड डेफिसिट रशिया के साथ $40 बिलियन का है। ये हमने बात किया था इंडिया रशिया जब इंटरनेशनल रिलेशंस की क्लास थी, यूट्यूब पे मिल जाएगा आपको, हमने देखा था हाउ इंडिया रशिया रिलेशनशिप इज मोर लिंक टू आर्म्स, बट इकोनॉमिक रिलेशनशिप काफी खराब है। हमारे $10 बिलियन का तो रिलेशन होता है, उसमें भी इंडिया का देखो ट्रेड डेफिसिट कितना है रशिया के साथ, लगभग टोटल कितना, टोटल $40 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट हो चुका है। मतलब रशिया के पास एक्सेस, अगर मान लो रशिया इंडिया रूपी में मैकेनिज्म में ट्रेड करना चाहता है, ठीक है, मान लो इंडिया और रशिया मान लो रूपी में ट्रांजैक्शन करना चाहता है, ठीक है, तो ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब इंडिया मान लो अगर 20 रुपए का सामान, मान लो अगर रशिया 20 रुपए का सामान इंडिया को बेच रहा है ना, मान लो अगर तेल आ रहा है रशिया से, तेल आया तो इंडिया ने 20 रुपए दे दिए रशिया को, अब रशिया इंडिया से कुछ खरीद रहा है 20 रुपए का, तो 20 रुपए वापस से इंडिया को दे दिया, तो उस केस में तो आपका ठीक है मामला, कोई जरूरत ही नहीं पड़ी। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है कि अभी रशिया जो इंडिया को बेचता है, फॉर एग्जांपल 20 रुपए का सामान रशिया ने इंडिया को बेचा इन रूपी, लेकिन इंडिया जो रशिया को बेच रहा है वो केवल 5 रुपए का है, तो ये 15 रुपए कहां बच गया रशिया के पास, करेगा रशिया है ना, 15 रुपए बच गया, बिकॉज ट्रेड यहां पर इम्बैलेंस है। तो रशिया के साथ यही प्रॉब्लम आ रहा था कि रशिया को रुपीज एक्यूमुलेट करना पड़ रहा था,
बिकॉज ऑफ दिस ह्यूज ट्रेड डेफिसिट, तो वो रूपी का करेगा क्या? अगर डॉलर रहता तब तो यूएस बॉन्ड में इन्वेस्ट कर देता, यहां कर देता, वहां कर देता, बहुत ऑप्शन है, बट रूपी में करना मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? पहली बात तो देखो, रूपी इज नॉट फुली कन्वर्टेबल। हमने बात करें करंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी नहीं है अभी, कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी नहीं है, तो आप रूपी को किसी तीसरे करेंसी में नहीं कन्वर्ट कर सकते हो फ्रीली। आपको परमिशन लेना पड़ेगा कितना रुपए को, कितने रुपी को मैं डॉलर में कन्वर्ट कर सकता हूं। तो अगर रशिया के पास मान लो 15 रुपए एक्स्ट्रा बचा, उसमें से मान लो ये 15 रुपए को चाहते हैं किसी दूसरे कंट्री करेंसी में कन्वर्ट करना, वो भी मुश्किल है बिकॉज इंडिया डज नॉट अलाउ फुली कन्वर्टेबिलिटी। सेकेंड, इंडिया का जो ग्लोबल एक्सपोर्ट में शेयर है वो केवल 2% है। तो हम लोग जो एक्सपोर्ट करते हैं टोटल एक्सपोर्ट मार्केट में केवल 2% हमारा इंडिया का एक्सपोर्ट जाता है, तो काफी कम है इंडिया का एक्सपोर्ट। तो अगर इंडिया का एक्सपोर्ट काफी कम होगा तो वो रुपी का करेगा क्या, है ना? वो रुपी का करेगा क्या, क्योंकि पूरे दुनिया में इंडिया का एक्सपोर्ट कम है, दैट मींस उसको जरूरत ही नहीं है रुपी का। सो इसकी वजह से ही आपको इस पर्टिकुलर डील को कैंसिल कर दिया गया। फ्यूचर में लाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए करना पड़ेगा हमारा जो एक्सपोर्ट का शेयर है उसको बढ़ाना पड़ेगा, हमें फुली कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी करना पड़ेगा। सो बाय दैट इंडिया कैन इन द फ्यूचर माइट थिंक टुवर्ड्स इट। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस थिंग। सो इसमें बेसिकली क्वेश्चन कहां से बन सकता है आपको, सबसे पहले व्हाट इज वॉस्ट्रो अकाउंट, वहां से प्रीलिम्स पे क्वेश्चन आ सकता है। व्हाट इज स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स, ठीक है, व्हाट इज गोल्ड स्टैंडर्ड, उसके बाद आप बात कर सकते हो, ये आपको पूछ सकता है। फिर आपको ये भी पूछ सकता है, मेंस में क्वेश्चन आ सकता है कि इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ इंडियन रूपी, इज इट अ मिथ और अ रियलिटी। तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चन आपके आ सकते हैं मेंस में। सो आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू जानना पड़ेगा। सो यू हैव टू स्टार्ट विद दिस गोल्ड स्टैंडर्ड, देन ब्रेटन वुड्स, देन निक्सन शॉक, एंड देन करंट में किस तरीके से चाइनीज युआन इज ट्राइंग टू डू दैट, एंड ऑल्सो इंडियन गवर्नमेंट इज ऑल्सो ट्राइंग टू डू दैट। तो ये काफी बड़ा टॉपिक था, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, टाइम लगा, एंड इंडियन इकोनॉमी के साथ यही प्रॉब्लम है। आपके लिए हो सकता है प्रॉब्लम हो, बट आप इवेंचुअली इस चीज को समझो कितना मजा आता है इंडियन इकोनॉमी पढ़ने में और पढ़ाने में, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट लॉजिक्स, इट्स नथिंग टू रिमेंबर, इट्स नथिंग टू लर्न, इट्स ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग द फंडामेंटल। सो आई होप कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। सॉरी फॉर मेकिंग दिस अगेन लेक्चर अ लॉन्ग वन, बट आई कांट कट इट डाउन बिकॉज इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो ऑल द पर्सपेक्टिव्स रिलेटेड टू इट। सो फिर से मिलेंगे किसी और टॉपिक में। आई होप दैट यू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। सी यू अगेन, थैंक यू। Don't forget to like, share and subscribe to our channel and press the bell icon to never miss an update.